एवरीवन, माय नेम इज दीप राजचंद्राकर और आप जो देख रहे हैं वो है क्रैश कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जो आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देख रहे हैं, दिस इज़ यूजफुल फॉर बोथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड पीआई स्टूडेंट, है ना। आप देख रहे होंगे अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं तो आप देखे होंगे कि हाँ भाई यूज़फुल है और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा होपफुली, है ना। और जिस तरीके से मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ तो आपको मज़ा आ रहा है, आई एम हैप्पी, ठीक है ना। मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में आप लोगों को। सो आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे इससे पहले आप लोगों से मैं बात किया था क्या मशीनिंग और आपका जो मेटल कटिंग है जिसका मैकेनिक्स होता है, वो सब बात किए थे। मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग एंड मशीनिंग, वो सब बात किए थे। उसमें जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, आपको जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इन जनरल, वो टॉपिक सारे मैंने कवर करा दिए हैं। साथ के साथ न्यूमेरिकल भी कराया, ठीक है ना। आपको एक वर्कबुक भी मिला है फॉर द, हाँ ये वाला सबके पास होना चाहिए। पीडीएफ एक्सेस वाला जो है वो मैंने बोला है, इवन दो अगर आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है ना, परमिशन मांग रहा है, तब भी आप टेलीग्राम में जा सकते हो यार, टेलीग्राम में से ले लो यार, है ना। खैर इसके लिए मैं बोला हूँ कि ये हो जाएगा, बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। बीच में रिजॉल्व हो गया था, फिर से पता नहीं वापस ये कैसे हुआ, कौन कर रहा है ना। सो वो ठीक हो जाएगा। और आपको नहीं मिल रहा, एक देखो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो टेलीग्राम से ले लिए। कुछ स्टूडेंट तो मुझ तक पहुँच गए थे कि सर मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, यस, है ना। वो देख भी रहे होंगे ये वीडियो और वो समझ गए होंगे कि हाँ मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। तो आपको भाई स्मार्ट बनना है, क्योंकि आप ऐसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो ऑब्वियसली स्मार्टनेस मांगता है। अब आप हो बस उसको ना सामने दिखाने की ज़रूरत है। जिस दिन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया बेटा, जिस दिन मैथ्स लेके पढ़े, उसी दिन से आप उतना स्मार्ट हो गए, ठीक है। बस वो किस तरीके से क्या है उसको अंदर से निकालना ज़रूरी है, ठीक। लेट इट गो, है ना। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। आज से 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे कि हाँ यार मैं तो वाकई में स्मार्ट था, जो अभी पहचान गया वो पहचान गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं शुरू करूंगा आप लोगों के लिए मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग में क्या करते हैं अपन, मटेरियल का फ्लो करते हैं, मेटल का फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ मेटल, ठीक। सो इसमें ऐसा नहीं है कि लिक्विड मेटल का आप फ्लो करने वाले हो, इसमें आपका जो मेटल रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है ना। उसको भले हम लोग हीट करेंगे या कोल्ड फॉर्म में ही फ्लो करने वाले, मेटल का फ्लो करने वाले। दिस इज नॉट द कास्टिंग में आप लिक्विड मेटल का आप फ्लो करते हैं, इसमें आप सॉलिड मेटल का फ्लो करेंगे बाय व्हाट फोर्स, है ना, फोर्स के द्वारा, बाय द फोर्स लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं तो आप देखे होंगे या आप कॉलेज में ये किए होंगे, ब्लैक स्मिथी जो प्रोसेस होता है, है ना, जिसमें रख के आप हैमर एनविल में रख के हैमर ठोकते थे, या लोहार वगैरह को देखे होंगे, है ना। तो वो बहुत कॉमन प्रोसेस है जो आपने देखा है। सो दैट इज नथिंग बट अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, वो मेटल फॉर्मिंग है। हीट करके हथौड़ा मारना, विदाउट हीट करके हथौड़ा मारना, सो ऑल आर व्हाट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें मेटल का फ्लो होता है। सो हियर फ्लो ऑफ मेटल ऑकर्स ठीक। द डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, आपका क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। सो वर्किंग स्ट्रेस, है ना, वो यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस के बीच में होने वाले मेटल फॉर्मिंग। सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, आप एक पर्टिकुलर शेप देते हैं भाई इसमें, सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। Working stresses are in between yield stress and ultimate stress.
अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक, सो ये बेसिक का आपका मेटल फॉर्मिंग का मैं बोलूं तो एक फीचर है, ठीक है ना, कि उसमें मेटल का फ्लो होता है, दैट इज योर एक्चुअल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है तो आपके जो वर्किंग स्ट्रेसेस होंगे वो ऑब्वियसली यील्ड स्ट्रेस से ऊपर होगा और अल्टीमेट से नीचे होगा, बिकॉज अल्टीमेट के बाद अब बात ही नहीं करेंगे, देयर विल बी नेकिंग एंड फ्रैक्चर ऑकर। सो दैट्स व्हाई है ना, आपकी जो वर्किंग स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आपको मेटल फॉर्मिंग कितने टाइप के होते हैं, सो देयर आर मेटल फॉर्मिंग टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। एक होता है कोल्ड मेटल फॉर्मिंग, कोल्ड मेटल फॉर्मिंग, एक होता है हॉट मेटल फॉर्मिंग। हॉट मेटल फॉर्मिंग, सो देखिए आपके पास कोल्ड मेटल फॉर्मिंग है, हॉट मेटल फॉर्मिंग है, दोनों तरीके का मेटल फॉर्मिंग है आपके पास, है ना। सो ये तो आपका बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मतलब आप हीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेनली ये दो टाइप का डिवाइड होता है। उसके बाद आप बोलेंगे सर आइसोथर्मल वार्म, ठीक दैट्स ओके, वो दो ही कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक होता है आपका कोल्ड मेटल फॉर्मिंग, एक होता है आपका हॉट मेटल फॉर्मिंग। कोल्ड मेटल फॉर्मिंग इज डन बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और मुझे कहना चाहिए उसमें एनर्जी नहीं देते हो आप, ठीक। सो इट इज डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इट इज डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपकी जो ओरिजिनल मटेरियल है, मतलब आप उसको अगर हीट कर रहे हो जो मटेरियल के ग्रेन्स रहेंगे उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। सो उस टेम्परेचर तक अगर ले जाते हो, उतना हीट दे देते हो, सो वो कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। समझ में आया क्या? वापस रिपीट कर रहा हूँ यार, ओरिजिनली कोई भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि ये ऐसा कुछ है, इसके ओरिजिनल ग्रेन्स इस तरीके से कुछ होंगे, ये ग्रेन्स हैं, इसके ओरिजिनल ग्रेन्स रहे होंगे, ठीक, ये ओरिजिनल ग्रेन्स रहे होंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही आप हीट दोगे, हीट दे रहे हो, है ना, और फॉर्मिंग मतलब आप इस पर अभी फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगा रहे हो तब भी की बात कर रहा हूँ, है ना, वैसे तो फोर्स लगाना चाहिए। सो इसको हीट दे रहा हूँ, अब फोर्स लगाना भी शुरू किया, फोर्स लगाया, सो क्या होगा, इसके जो ग्रेन्स हैं, मतलब हीट और फोर्स एक्चुअली, है ना, हीट किया मैं और इसको इतना हीट किया कि इसके जो ग्रेन्स हैं वो छोटे छोटे इस तरीके से चेंज हो गए। देखिए सो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके से एकदम छोटे 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 आपके ग्रेन्स में डिवाइड हो जाएगा, एकदम छोटा छोटा ग्रेन बन गया, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको हीट दिया अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक, है ना, और बिलो अगर करते तो ये चेंज नहीं होता। इसको अगर सिर्फ फोर्स देता, हीट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक नहीं ले जाना है। सो ये जो दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पहला दिखाया वो क्या था? फोर्स प्लस हीट दोनों था, इसमें फोर्स प्लस हीट दोनों था, है ना, और ये अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर गया, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? हॉट मेटल फॉर्मिंग। अगर मैं कहूँ कि इसको हीट नहीं दिया,
ठीक, इसको हीट नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फोर्स, मतलब हैमरिंग कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स हैमरिंग कर रहा हूं, सिर्फ फोर्स दे रहा हूं। सो क्या होगा, ग्रेन का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ ग्रेन। यहां पे क्या हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्रेन, यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ ग्रेन। इस तरीके से कुछ हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएंगे ग्रेन। इस तरीके से, ठीक। सो इलोंगेट, सो इट इज व्हाट, फ्लो ऑफ ग्रेन्स, फ्लो ऑफ ग्रेन्स। सो ये कौन सा होगा, आपका कोल्ड वर्किंग है, कोल्ड मेटल फॉर्मिंग। सो देखिए, कोल्ड मेटल फॉर्मिंग इट इज डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एंड हॉट मेटल फॉर्मिंग इट इज डन अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इट इज डन अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नाउ माय डियर, अगर मैं इसमें कहा कि इट इज डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इट इज डन अबाउ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एक्चुअली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है, इट डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे मेनली डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क, अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क, ठीक, और प्योरिटी ऑफ मेटल। ये दोनों जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क, देखो क्या किया आपने, जब कोल्ड वर्क दिया ना तो ये इलोंगेट हो गया, इलोंगेट हो गया तो ये कौन से रीजन में चला गया, स्ट्रेन हार्डनिंग के रीजन में। सो ये इस वजह से ना, इस वजह से आपका जो भी वर्क पीस या जो भी प्रोडक्ट निकालने वाले हो, किससे, कोल्ड मेटल फॉर्मिंग से, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बिकॉज देयर विल बी स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग को ही क्या बोला जाता है, वर्क हार्डनिंग बोला जाता है। सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग। सो ये किस में देखने को मिलेगा, स्ट्रेन हार्डनिंग, या इसी को और क्या बोलते हो आप, वर्क हार्डनिंग। सो स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग किस में देखने को मिलेगा आपको, कोल्ड मेटल फॉर्मिंग में, है ना। आपका हॉट मेटल फॉर्मिंग में स्ट्रेन हार्डनिंग होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करूं, जैसे कि ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल वर्क पीस है, ये ओरिजिनल वर्क पीस है, ठीक, मतलब ओरिजिनल आपका वर्क पीस है, जिसपे मुझे परफॉर्म करके, मेटल फॉर्मिंग परफॉर्म करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट अ ब्लैंक, और मेरा जो इनिशियल प्रोडक्ट है ना, रॉ मटेरियल फॉर द मेटल फॉर्मिंग, आई कैन से दैट, ठीक। नाउ माय डियर, अगर मैं इसमें हीट दिया, फोर्स दिया, उसके बाद ये इसका कन्वर्जन इस तरीके से हुआ, मैंने कहा कि इसमें आपका ग्रेन चेंज हुए, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, ठीक। सो उसमें भी आपका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा, उसमें भी स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना, वो इंक्रीज होता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हार्डनेस और स्ट्रेंथ के बारे में, सो इसका अगर हार्डनेस, लेट अस अज्यूम इसका हार्डनेस 100, हार्डनेस नंबर 100 BHN है, बिनल हार्डनेस नंबर, सो इसका हो जाएगा लगभग 110 के आसपास। सिमिलरली अगर इसका स्ट्रेंथ रहा होगा 400 MPa, सो इसका स्ट्रेंथ हो गया 450 MPa काइंड ऑफ। सो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, आपका हार्डनेस भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, हार्डनेस भी बढ़ जाएगा। साथ के साथ अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं, तो जो ओरिजिनल इसकी डक्टिलिटी रही होगी उससे कम हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी डक्टिलिटी इसकी,
इस केस में अगर मैं बोलूं, सो इसका हार्डनेस ऑब्वियसली अगर इसका 100 था, इसका 100 था, सो इसका हो जाएगा 150 BHN, बिनल हार्डनेस नंबर, ठीक बढ़ जाता है। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि हॉट मेटल फॉर्मिंग से ज्यादा हार्डनेस दिख रहा है। स्ट्रेंथ भी अगर इसका 400 था सो इसका हो जाएगा 500, मतलब स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा, डक्टिलिटी कम होगी, डक्टिलिटी कम होती है, डक्टिलिटी ना देखो डक्टिलिटी इससे तो कम होगी कंफर्म है, इसकी भी डक्टिलिटी इससे कम होगी कंफर्म है, लेकिन अगर मैं दोनों में बात करूं हॉट एंड कोल्ड तो इसकी डक्टिलिटी के कंपैरिजन में कम होती है, मतलब इसका कम होगा उसके डक्टिलिटी के कंपैरिजन में, इसका कम होगा कोल्ड मेटल फॉर्मिंग का, ठीक। सो ये ध्यान रखना भाई। अब देखो मैं कह रहा हूं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क पे डिपेंड करेगा और प्योरिटी ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। सो आप इसको जैसे कि क्या किए, फोर्स दिए, सो दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क। सो ये क्या हो गया, इसके ग्रेन्स आपके स्ट्रेन हो गए, स्ट्रेच हो गए, दिख रहा है इलांगेट हो गए। सो इलांगेट हो गए, जैसे हीट मिलेगा सो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होके है ना, डिवाइड होके छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो जितना ज़्यादा आप उसको कोल्ड वर्क दिए रहेंगे वो उतना आसानी से ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज वो इलांगेट हो गया। सो अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क पे डिपेंड करता है। ये छोटा छोटा ऐसा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही हीट दूंगा इसको, फॉर एग्जाम्पल अब हीट दे रहा हूँ, हीट दिया तो ये क्या हो जाएगा, उसी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये जैसे ये ग्रेन था तो ये ना दो पार्ट में इस तरीके से छोटा छोटा डिवाइड हो गया। सो आसानी से हो जाता है, कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। सो वो डिपेंड करेगा किस पे, अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क पे, प्योरिटी ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करेगा। अगर इम्प्योरिटी है तो वो रोकेगा है ना, उसके जो क्रिस्टल चेंजेस हैं, जो ग्रेन चेंजेस हैं है ना, ग्रेन ग्रोथ जो होने वाला है, एक्चुअली ग्रेन ग्रोथ का टर्म अलग है, मुझे कहना चाहिए जो ग्रेन में चेंजेस आने वाला है उसको रोकता है इम्प्योरिटी, ग्रेन ग्रोथ को भी रोकेगा। और ग्रेन ग्रोथ को रोकने के लिए हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। ऐसा क्यों सर, व्हाट इज द ग्रेन ग्रोथ, दिस इज नथिंग बट, अभी मैंने बोला कि ये चेंज होगा, ये क्रिस्टल छोटे छोटे फॉर्म में, ये जो ग्रेन्स हैं ये छोटा छोटा, वो आपको फाइन ग्रेन्स मिलने वाले हैं, फाइन ग्रेन्स, सो आसानी से मिल जाएगा। अब ग्रेन ग्रोथ क्या होता है कि जैसे कि ये छोटा छोटा पूरा हो गया, जैसे कि मैं बोलूँ ये वाला, ये पूरा छोटा छोटा आपके ग्रेन्स मिल गए हैं, और भी हीट दे रहे हो, तो इसको क्या होगा, थोड़े टाइम से के बाद ना ये वापस ये दोनों ग्रेन मिलके फिर बड़ा बड़ा ग्रेन ओरिजिनली आपका बनाना शुरू करेगा, बड़ा बड़ा ग्रेन बनाना शुरू करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सर्फेसेस है ना उसमें रैंडम वो निकलना शुरू हो जाता है, है ना, उसका सरफेस फिनिश खराब होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ग्रेन ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए आप इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। खैर ये जस्ट पॉइंट था, है ना, तो लिखना चाहो तो लिख लेना कहीं पे भी, दस ओके। सो अगर मैं बोलूँ हॉट मेटल फॉर्मिंग एंड कोल्ड मेटल फॉर्मिंग, हॉट मेटल फॉर्मिंग में आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ता है, डक्टिलिटी भी बढ़ती है कंपेयर टू कोल्ड वर्किंग, है ना, हार्डनेस और स्ट्रेंथ कंपेयर टू कोल्ड वर्किंग कम होता है, डक्टिलिटी कंपेयर टू कोल्ड वर्किंग ज़्यादा होता है, ठीक। अगर मैं बोलूँ आपका इस पे कोल्ड मेटल फॉर्मिंग में, सो कोल्ड मेटल फॉर्मिंग में आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी कम होता है, ठीक। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं सरफेस फिनिश कोल्ड मेटल फॉर्मिंग में अच्छा मिलता है, हॉट मेटल फॉर्मिंग में सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं मिलता, ठीक। सो अगर मैं कहूँ कि जितने भी आपके मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जैसे इसमें आने वाला है आपका रोलिंग, फोर्जिंग, एस्ट्रूजन, ड्रॉइंग, वायर ड्रॉइंग, डीप ड्रॉइंग, सब वायर ड्रॉइंग, डीप ड्रॉइंग, ये सब इसमें आने वाला है। तो इसके ना हमेशा आपके दो तरीके से दिखेंगे ये जितने भी प्रोसेस हैं, कोल्ड भी पॉसिबल है और हॉट भी पॉसिबल है ना, हम लोग उस प्रोसेस का पर्टिकुलर
इफिशंसी देख के, या मैं बोलूँ उस प्रोसेस का परफॉर्मेंस देख के हम डिसाइड करते हैं कि वो कोल्ड होना चाहिए कि हॉट होना चाहिए, है ना, कि वो कोल्ड अपने को स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए या अपने को डिफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, दैट डिपेंड्स। क्योंकि डिफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, आपको ये समझ में आना चाहिए किसी चीज़ को हीट करता हूँ तो नरम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ तक इसको जैसे क्या किया, फोर्स दिया तो ये इतना हुआ, अब वापस फिर इसको अगर मैं दबाने की कोशिश करूँगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा फोर्स, क्योंकि ऑलरेडी इलांगेट हो गया, समझ रहे हो, ऑलरेडी इलांगेट हो गया है, उसको फिर से इलांगेट करना है तो और ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो क्या कर सकता हूँ, इसको इंटरमीडिएटली हीट कर सकता हूँ, हीट कर दिया तो छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गया, फिर से फोर्स दे सकता हूँ, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट प्रोसेस, है ना, कि किस तरीके की चीज़ें चाहिए, किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों पे आपका ये डिपेंड करेगा। ठीक, सो मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ रोलिंग के बारे में, ये रेस कर रहा हूँ भाई, रोलिंग के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, जितना भी मैं बताया हूँ, है ना, जितने लोगों को समझ में आया, अच्छी बात, जिनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे तो ऊपर से चला गया कुछ कुछ बातें, तो लेट इट गो, जस्ट दो चीज़ें याद रखना है, एक होता है हॉट और एक होता है कोल्ड। हॉट इज डन अबाउट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कोल्ड इज डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, दस ओखी इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ रोलिंग के बारे में, सो रोलिंग इज अ प्रोसेस इन विच थिकनेस ऑफ अ प्लेट और स्लैब इज रेड्यूस्ड बाय द टू रोलर्स, है ना, दो रोलर के बीच में स्लैब को या प्लेट को रख के उसका थिकनेस रेड्यूस किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे आपके अलग अलग टाइप के रोलिंग होते हैं, है ना, बहुत सारे रोलिंग मिल होते हैं, है ना, 4 high rolling mill, 2 high rolling mill, 3 high rolling mill, आपका प्लानिट्री रोलिंग मिल, है ना, उसी को सैंडिजमिन रोलिंग मिल, ये सब बोला जाता है दासुकी, है ना। अपन बात करेंगे कोर, जहां से सवाल आता है, सो वो क्या होता है, अगर मैं कहूं कि दो रोलर के बीच में आप एक वर्क पीस को डालते हैं, एक रॉ मटेरियल को डालते हैं लाइक स्लैब को, और उसके थिकनेस में रिडक्शन आता है, अगर उसको देखने की कोशिश करें सो वो इस तरीके से कुछ, ये दो रोलर हैं, देख ये आपका क्या है, वर्कपीस है, ये दो रोलर है। ठीक, अब एक चीज का याद रखना, ये दोनों रोलर का साइज सेम होगा। क्यों सेम होगा सर, अगर ये रोलर का साइज बड़ा है इस रोलर से तो ये क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, सो देयर विल बी बेंडिंग ऑफ दिस वर्कपीस, ये बेंड हो जाएगा वर्कपीस, है ना भाई, ये इधर इधर निकल रहा है, और अगर इसका साइज बड़ा रहा और ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो इट विल बी बेंड लाइक दिस, अगर इसका साइज ज्यादा रहा है ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इट विल बी बेंड लाइक दिस, ये बेंड हो जाएगा इस तरीके से। सो आप यहाँ पे एक चीज एकदम प्योरली अजम्पशन है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं, दिख रहा है और ये यूज भी होता है कि भाई साइज ऑफ बोथ द रोलर विल बी सेम, साइज ऑफ बोथ द रोलर विल बी सेम। नाउ माय डियर, लेट अस अज्यूम,
H naught. H naught is the initial thickness of the workpiece. Initial thickness of the workpiece. अब देखिए एक चीज देखिए, ये थिकनेस हो गया इनिशियल थिकनेस. साथ के साथ एक चीज और कह सकता हूं कि यार ये जो आपका प्लेट है, हाँ ना, ये प्लेट अगर मैं देखूंगा, ये तो इधर से देख रहा हूँ सामने से, अगर उस साइड ऐसा कुछ देखोगे तो इधर कुछ विड्थ रहेगा ऐसा पूरा, ये विड्थ रहेगा. तो यहाँ पे ना बना के आपको जस्ट इधर समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कोई प्लेट रहा होगा. ऐसा कोई प्लेट रहा होगा, ठीक. सो दिस इज नथिंग बट एच नॉट, इसको एच नॉट बोल दिया. ये लेंथ है एल नॉट, और ये विड्थ हो गया बी नॉट, जो कि मैं इस रोलर में डालने वाला हूं. इस रोलर में डाल रहा हूं तो मेरा जो एम है वो क्या है, मेरा एम जो है वो एच नॉट जो दिख रहा है इनिशियल थिकनेस उसको रिड्यूस करना. बट इन जनरल रोलिंग में विड्थ जो होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है, हाँ ना, तब तक आप हमेशा कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि विड्थ इज नॉट कांस्टेंट, तो उस समय आपको विड्थ को चेंज करना रहेगा. जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आप समझिएगा अच्छे से, है ना, ये सर क्या बोल गए, ये आया होगा आपके दिमाग में, तो सुनो यार, एच नॉट एल नॉट बी नॉट, दिस विल बी द वॉल्यूम, दिस विल बी द वॉल्यूम. और लेट अस अज्यूम, अगर मैं बोला कि ये जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से, सो वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वर्कपीस. वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी और द वेलोसिटी एट द एंट्री, एट द एंट्री यहां पर इंटर करेगा वहां पर वो वेलोसिटी हुआ, ठीक. So V नॉट हुआ, मतलब अगर मैं बोलूं इसका वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना, मैं कह सकता हूं बी नॉट इंटू एच नॉट इंटू वी नॉट. एल एल की जगह मैंने क्या कर दिया, मीटर पर सेकेंड में. सो ये क्या हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट. सो जितना वॉल्यूम यहां से अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर निकलेगा, फॉर श्योर, ठीक. सो लेट अस अज्यूम यहां से जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी वी एफ हुआ. सो वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी नॉट, अच्छा सब चीजें एक साथ लिख दूंगा, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी और इसको मैंने कह दिया एच एफ फाइनल थिकनेस. सो यार ये हो जाएगा, ये इनिशियल वॉल्यूम फ्लो रेट, फाइनल वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी वॉट, बी एफ एच एफ VF. एंड मैंने बोला है कि B नॉट और BF इन जनरल कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, विड्थ चेंज नहीं करते. अगर दिया रहेगा चेंजेस तो इसमें चेंजेस रख लेना, खत्म. सो ये ध्यान रखना, है ना, ये इस तरीके से हम प्रोसेस करने वाले हैं कि विड्थ कांस्टेंट रखने वाले हैं. आगे बढ़ रहा हूं भाई, ये लास्ट मापन मैं ये लिख दूंगा, क्योंकि रोलिंग में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने जाने वाला हूं, ठीक है ना, आपको बताऊंगा. तो सुनते रहिए ध्यान से क्या क्या है. हियर एच नॉट इज द इनिशियल थिकनेस और इनिशियल हाइट. एच एफ इज फाइनल थिकनेस ऑफ वर्कपीस, फाइनल थिकनेस ऑफ वर्कपीस, ठीक. वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस. VF is final velocity of workpiece. Final velocity of workpiece. ठीक. अब देखो यार,
लेट अस एज्यूम आर इज द, दिस इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ रोलर, आर इज द रेडियस ऑफ द रोलर, सो डी मैं कह रहा हूं डायमीटर ऑफ द रोलर, तो डी इक्वल टू टू आर, टू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रोलर, डी इज द डायमीटर ऑफ द रोलर, ठीक। सो इसको मैं कह दिया डाया ऑफ रोलर, आर इज द रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रूलर। अब देखिए इसको मैंने मान लिया सी सेंटर, यहां से एक लाइन मैंने प्रोजेक्ट किया यहां पे, ठीक। ये था रेडियस ऑफ रोलर, ये भी रेडियस ऑफ रोलर है, एक लाइन इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। सो यार एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट एक आर्क है जितने में आपका वर्क पीस रोलर के साथ कांटेक्ट है ना, वर्क पीस का रोलर के साथ कांटेक्ट में है, ये वाला आर्क है। लेट अस अज्यूम ये जो एंगल बना रहा है इसको मैंने बोल दिया अल्फा, एंड अल्फा इज नोन एज बाइट एंगल, अल्फा इज नोन एज बाइट एंगल, अल्फा को बाइट एंगल कहा जाता है, बाइट एंगल कहा जाता है, ठीक। ये रोलर किसी स्पीड से घूम रहा है, लेट अस अज्यूम अगर मैंने बोला कि ये आपका ओमेगा से घूम रहा है, एंड ओमेगा इक्वल टू व्हाट, टू पाई एन, ओमेगा इज द टू पाई एन, सो ओमेगा इज 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 बोल दिया, सो ओमेगा इज द व्हाट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रूलर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रूलर, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रूलर। सो यार इसका लीनियर वेलोसिटी रोलर का निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर, vr is the linear velocity, omega into r कर दो, omega into r, it means that 2 into r मतलब क्या हो गया, that is your d, so pi d and divided by 60, so ये roller velocity हो गया। ये अगर rpm में है तो ये आपका meter per second में हो जाएगा, ये आपका angular velocity है तो radian per second में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। सो ये क्या हो गया, वी आर इज द रोलर वेलोसिटी, रोलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है रोलर का, रोलर वेलोसिटी ना माय डियर, वी नॉट आपका इनिशियल वेलोसिटी था, वी एफ फाइनल वेलोसिटी था, और वी आर आपका रोलर वेलोसिटी हुआ। एक्चुअली होगा क्या, जब ये एंट्री कर रहा है वर्क पीस तो इसकी वेलोसिटी कम होती है, हाँ ना, उसके बाद जैसे ही एंट्री करता है तो ये वर्कपीस की वेलोसिटी, एंट्री किया सो वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ते जाएगा और आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन में दिखेगा, ये मेरा न्यूट्रल प्लेन हुआ, इसको कहूंगा मैं न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन, और ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, सो न्यूट्रल प्लेन ऑन न्यूट्रल पॉइंट, सो न्यूट्रल प्लेन ऑन न्यूट्रल पॉइंट वो प्लेन या वो पॉइंट है जहां पे ये देखो ये वेलोसिटी क्या था, कम था, जैसे मैंने कहा कि वी नॉट जब एंट्री किया तो ये वेलोसिटी कम था, उसके बाद ये वेलोसिटी ज्यादा है, एग्जिट में वेलोसिटी ज्यादा है, सो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट में आपका क्या होगा पता है, आपको तीन वेलोसिटी दिखाया हूं मैं पिक्चर में, कौन कौन सा, वी नॉट, वी एफ, वी नॉट कम है, वी एफ ज्यादा है, इन बिटवीन आपको वी आर दिखने वाला है, रोलर वेलोसिटी, सो वी नॉट से ज्यादा होगा वी रोलर और उससे ज्यादा होगा वी एफ, उससे ज्यादा होगा वी एफ, वी नॉट
वी नॉट और वी एफ किसका वेलोसिटी है, वर्क पीस का। वी आर किसका वेलोसिटी है, रोलर का, रोलर का। और न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें रोलर की वेलोसिटी वर्क पीस के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। मतलब वी नॉट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वी नॉट धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो वी आर के बराबर पहुंच गया। सो एट द न्यूट्रल पॉइंट और एट द न्यूट्रल प्लेन आपका जो वेलोसिटी होगा एट न्यूट्रल प्लेन, एट न्यूट्रल प्लेन रोलर वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी एफ। मतलब दैट इज नथिंग बट रोलर वेलोसिटी इक्वल टू वर्क पीस वेलोसिटी, सब बराबर हो गया वहां पे, वर्क पीस वेलोसिटी वेलोसिटी। ठीक, अगर मैं कहूं इससे पहले वाला ये वाला जो जोन है, है ना, ये न्यूट्रल प्लेन और एंट्री प्लेन, इसको क्या बोलूंगा मैं, एंट्री प्लेन, ये एंट्री प्लेन हुआ, एंट्री प्लेन, न्यूट्रल प्लेन एंड दिस इज योर एग्जिट प्लेन। न्यूट्रल प्लेन सॉरी न्यूट्रल प्लेन, एंट्री प्लेन, एग्जिट प्लेन। ठीक, सो एंट्री प्लेन और न्यूट्रल प्लेन के बीच का जो जोन होता है इसको बोलते हैं लैगिंग जोन, ये कहलाएगा लैगिंग जोन। ठीक, और ये कहलाता है लीडिंग जोन। ऐसा क्यों सर, ये कहलाता है लैगिंग जोन, ये कहलाता है, है ना, लीडिंग जोन, इसको कहते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, लैगिंग जोन, इसको कहते हैं लीडिंग जोन। ऐसा इसीलिए कि यहां पे वर्कपीस की वेलोसिटी क्या है, रोलर वेलोसिटी से कम है इस जोन में, सो इसलिए इसको लैगिंग जोन कहते हैं। ये लीडिंग जोन है जिसमें आपका रोलर का वेलोसिटी कम है वर्कपीस की वेलोसिटी से, मतलब वर्कपीस की वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है रोलर की वेलोसिटी से और यहां पे वर्कपीस की वेलोसिटी कम है रोलर की वेलोसिटी से। सो दिस इज नोन एज लैगिंग जोन, दिस इज नोन एज लीडिंग जोन। आपका लैगिंग जोन में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वर्कपीस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन लैगिंग जोन में इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि जब ये आपका वर्कपीस एंट्री कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, उसको उधर ले जाने की कोशिश करेगा। अब इधर अगर मैं लीडिंग जोन में देखूंगा तो वर्कपीस की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, इसकी वेलोसिटी कम है, सो ये रोकने की कोशिश करेगा पीछे की ओर। सो यहां से लेके यहां तक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होने वाला है, यहां से लेके यहां तक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होने वाला है। ठीक, सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं लीडिंग जोन और लैगिंग जोन में, लैगिंग जोन में आपका किसका वेलोसिटी ज्यादा है, रोलर का वेलोसिटी ज्यादा है, सो लैगिंग जोन में अगर मैं डिफरेंस निकालूं वी आर माइनस वी नॉट, रोलर वेलोसिटी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी रोलर इनटू 100 अगर मैंने कर दिया, सो ये कहलाता है बैकवर्ड स्लिप, इसको कहते हैं बैकवर्ड स्लिप। ये किस में दिखेगा आपको, लैगिंग जोन में बैकवर्ड स्लिप। अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वर्कपीस की वेलोसिटी ज्यादा है, दैट इज योर वी एफ। किससे ज्यादा है, रोलर की वेलोसिटी, वी आर डिवाइडेड बाय वी आर, वी आर रोलर की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट इनटू 100 कर दिया, सो इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिप, ये कहलाता है, परसेंटेज में आएगा ये फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप। ठीक, सो ये इतनी सारी बातें थी जो अपने को जानना था, अब मतलब बेसिक जो जानना था वो हुआ, आगे कैसे कैसे और भी फॉर्मूलेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं भाई। अब इसको मैंने कहा सी पॉइंट, इसको मैंने कहा सी पॉइंट, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका जैसे बी पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया एन, न्यूट्रल पॉइंट हो गया एन। सो एन में मैंने बता दिया कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहां पर रोलर वेलोसिटी और वर्क पीस वेलोसिटी सेम हो जाता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, ठीक है, अच्छा
इन जनरल ऐसे तो दिया जाता है ना, अगर नहीं दिया है आपको, ऐसा दे दिया है कि एंट्री वेलोसिटी दे दिया है, एग्जिट वेलोसिटी दिया है, लेकिन आपको रोलर वेलोसिटी निकालना है, सो अगर कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, उस समय आप एवरेज वेलोसिटी ले लेना, वी नॉट प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू वी आर हो जाएगा। मतलब एंट्री और एग्जिट का एवरेज वेलोसिटी हम लोग न्यूट्रल पॉइंट की वेलोसिटी मान सकते हैं, एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन कह सकते हो, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा। यार ये वाला जो कॉन्टैक्ट लेंथ है वो निकालना चाह रहा हूं, सो कॉन्टैक्ट लेंथ कॉन्टैक्ट लेंथ और आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक, कॉन्टैक्ट लेंथ और आर्क लेंथ, लेट अस अज्यूम उसको एल से शो कर रहा हूं। सो एल इक्वल टू यार क्या होता है आपका, आर्क इक्वल टू, अगर मैंने इसको एल बोला तो आर्क इक्वल टू मैं कह सकता हूं दैट इज नथिंग बट आर इंटू अल्फा, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, वेयर अल्फा जो रहेगा, अल्फा जो रहेगा बाइट एंगल है, बट यहां पे इसको रेडियन में रखना है ना, ये रहेगा रेडियन में। और मैं मजे की बात बताऊं, जैसे आपको यहां पे आर्क लेंथ मैंने इसका बताया, ठीक, अब अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो एक लाइन यहां से मैंने खींच दिया ये वाला, सो ए बी सी, इसको मैंने डी बोल दिया। सो यार ये बताओ, ये एच नॉट था, ये एच एफ था, सो आपका ये वाला पोर्शन और सिमिलरली यहां पे ये वाला पोर्शन जो होगा है ना, ये और ये, दिस इज नथिंग बट योर रिडक्शन, कितना रिडक्शन हुआ, सो एच नॉट माइनस एच एफ इज टोटल रिडक्शन, एच नॉट माइनस एच एफ इज टोटल रिडक्शन, सो उसको मैंने डेल एच बोला, डेल एच इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ। सो यार यहां से आपका एच नॉट एंट्री किया, यहां पे एच एफ मिला, सो उसका आधा पोर्शन इधर, उसका आधा पोर्शन इधर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये वाला कितना हो गया, इसको अगर मैं कहूंगा सो दिस इज नथिंग बट डेल एच बाई टू, और ये भी डेल एच बाई टू, सो यहां से लेके यहां तक ये आपका डेल एच बाई टू, डेल एच बाई टू हो जाएगा, ठीक। बाकी अभी इरेज कर रहा हूं, और मैं अभी आपको एक ही फॉर्मूला दिया हूं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट का, आगे दिखाऊंगा कि और दो फॉर्मूले पॉसिबल हैं, और किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, आंसर ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है, इसलिए आप वरी मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ भाई। हमको एक चीज पता चला था कि डेल एच इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ, ये चीज पता चला था, ठीक। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, आपका डेल एच इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ अपने को पता चला है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से अगर, सो ये क्या था, डेल एच बाई टू, डेल एच बाई टू, ये वाला पोर्शन आपका डेल एच बाई टू है, ठीक, यही है। अगर अगर ये टोटल देखोगे तो कितना था, आर था, ये कितना हो गया आर माइनस जो सी डी है, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं डी बी इक्वल टू, ये डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू आपका डेल एच बाई टू हो गया, डी बी इक्वल टू डेल एच बाई टू हो गया। और अगर मैं सी डी की बात करूं, सी डी, सी डी, ठीक, यहां पे सी डी के बारे में बात करते हैं, ये डी बी है ना, सो सी डी इज नथिंग बट आर माइनस डेल एच बाई टू, यही होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल कितना था, रेडियस था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया, आर माइनस डेल एच बाई टू। और सी डी को क्या लिख सकता हूं, अगर ये आर है तो इसको आर कॉस अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल यस सर, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, या अगर आर है हाइपोटेनियस, सो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा इक्वल टू आर माइनस डेल एच बाई टू,
ठीक। सो यहां से अगर देखूंगा तो ये हो जाएगा आपका आर कॉस अल्फा इंटू टू, ये हो गया 2R माइनस डेल एच। सो एक साइड 2R वाला डेल एच इधर आ गया, सो डेल एच इक्वल टू, आई कैन राइट व्हाट, 2R कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा, और 2R इज नथिंग बट योर डाया। सो डेल एच इक्वल टू, मतलब एच नॉट माइनस एच एफ इक्वल टू डेल एच इक्वल टू डी 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा आपका अब डिग्री में रहेगा भाई, वहां पे अल्फा डिग्री में रहेगा, रेडियन में एक ही जगह रहेगा जहां पे मैं बताया था, दैट इज योर एल इक्वल टू आर इंटू अल्फा, वहां पे रेडियन में रहेगा। ठीक। सो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, है ना, ये रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि यार होगा क्या कि ये जो आपका रोलर है वो एक फोर्स यहां पे देगा, वो रोलर यहां पे एक फोर्स दे रहा है, लेट अस एज्यूम वो नॉर्मल फोर्स है एन, वो नॉर्मल फोर्स है एन, और यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एन। मैंने कहा था इस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन फोर्स, इसमें न्यूट्रल पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन में आएगा। सो ये म्यू एन आपका क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया एन नॉर्मल फोर्स। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ए को कंसीडर करूं, पॉइंट ए को कंसीडर करूं, पॉइंट ए, सो एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज योर नॉर्मल फोर्स, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज योर म्यू एन। ये ए पॉइंट है, इस पे मैंने इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच दिया। ठीक। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, सो ये एन म्यू एन हुआ। अब ध्यान से देखते हैं कितना एंगल बना रहा है। यार एन अगर देखोगे तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचा, तो वर्टिकल के साथ अल्फा बना रहा है, तो एन वर्टिकल के साथ अल्फा बनाएगा। ठीक है, ये इसके साथ अल्फा बना रहा है। ठीक। साथ के साथ अगर देखोगे ये अल्फा था, ये 90 था, और ये नॉर्मल और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स आपस में कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये अल्फा बेटा, ये 90 है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में 90 बनाएगा। सो ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये और ये तो 90 था, सो ये कितना हो जाएगा वापस अल्फा। सो दिस इज योअर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा हो गया। यार ये बताओ, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये वर्क पीस इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच किया, वो ऑटोमेटिकली अंदर चले जाना चाहिए, एंट्री जोन में ऑटोमेटिकली, जैसे ही टच करेगा ऑटोमेटिकली अंदर चले जाना चाहिए विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट इज नोन एज अनएडेड एंट्री। क्या कहते हैं, अनएडेड एंट्री। सो अनएडेड एंट्री चाहता हूं मैं चाहता हूं अनएडेड एंट्री। सो किस तरीके से मैं कर सकता हूं अनएडेड एंट्री, चलिए देखते हैं। नाउ माय डियर, अगर मैं अनएडेड एंट्री चाह रहा हूं, मतलब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, कि एक बार एंट्री किया वहां से तो वो चलते जाएगा, ठीक, एंट्री जोन में जैसे ही पहुंचा वर्कपीस, वहां से अंदर की ओर वो चला जाएगा। सो यार ये वाला जो कंपोनेंट है, ये फोर्स का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अंदर ले जाने का प्रयास में रहेगा, ये वाला जो है वो अंदर ले जाने के प्रयास में रहेगा, और इधर जो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो बाहर ले जाने के प्रयास में रहेगा। सो ऑब्वियसली ये वाला इस फोर्स का कंपोनेंट जो है, मतलब म्यू एंड कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिनिमम मिनिमम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन साइन अल्फा। इसका इसका ये वाला कंपोनेंट एन साइन अल्फा, इसका म्यू एन कॉस अल्फा, इसी तरीके से तो होगा। ठीक। सो यहां से अगर देखूंगा तो एन और एन कैंसल हो गया, सो फॉर द अनएडेड एंट्री म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन अल्फा। सो दिस इज कंडीशन फॉर अनएडेड एंट्री, दिस इज कंडीशन फॉर अनएडेड एंट्री। ठीक ठीक
आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सो आपको अनएडेड एंट्री का कंडीशन मिल गया, ये पूछा जा सकता है कभी, है ना, कि अनएडेड एंट्री का कंडीशन क्या है। अब अगर मैं कहूं आपको कि यार इस पे मुझे और मैं आपको एक आर्क लेंथ और निकाल के दिखाता हूं, दैट इज नथिंग बट योर प्रोजेक्टेड लेंथ, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए ये वाला अगर मैं देखूं, है ना, सो इस तरीके से कुछ है, रोलर जो है ये हो गया सेंटर, ठीक, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है आर आर, ठीक। अच्छा एक्चुअली जरूरत नहीं है, एक आर का बस जरूरत है फिलहाल। अगर मैं बात करूं, सिंपल सा बात करूं यार, ये एंगल अल्फा है, मैं प्रोजेक्टेड लेंथ निकालना चाह रहा हूं, ये भी एलपी बोलूंगा बिकॉज दोनों में ऑलमोस्ट जो डिफरेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस, जो बाइट एंगल होता है वो बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई आप प्रोजेक्टेड आर्क लेंथ जो है, हाँ ना, वो एल पी के बराबर या एल के बराबर आप बोल सकते हैं, प्रोजेक्टेड आर्क लेंथ, ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना लिख सकता हूं, डायरेक्ट आर साइन अल्फा लिख सकता हूं, सो एल इक्वल टू आर साइन अल्फा भी आप लिख सकते हैं भाई, और इससे पहले एल इक्वल टू क्या था आपका, आर अल्फा था। तो दो फॉर्मूला मिल गया आपको, दोनों फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा ऑलमोस्ट सेम आएगा बेटा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हम क्वेश्चन करके भी देख लेंगे, ये मेरी वाणी है, मैंने बोल दिया आपको, ठीक। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं, इसको हटा देता हूं, तो ये नथिंग बट यही एल था आपका, यहां से लेके ये वाला पोर्शन आपका एल था, मतलब ये भी एल होगा, ये ऊपर वाला कितना होगा, टू आर माइनस डेल एच बाई टू और ये कितना हो जाएगा, ये वाला डेल एच बाई टू के बराबर। सो यार सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, बचपन में पढ़े हो गए, है ना, नहीं पढ़े हो या पढ़े हो गए भूल गए हो गए तो ये याद रख लेना, क्योंकि आगे और भी काम आने वाला है, डिफ्लेक्शन वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। ये होता है सर्कल की प्रॉपर्टी, क्या कि अगर ये इस तरीके से है, ये आपका ए पोर्शन हुआ, ये बी पोर्शन हुआ, ये इतना ए है, इतना बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी इंटू डी शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू सी इंटू डी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं, दैट इज योअर एल स्क्वायर टू आर माइनस डेल एच बाई टू। सो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टू आर आर आर, टू टू कैंसिल हो गया, आर डेल एच बच गया और माइनस डेल एच बाई टू होल स्क्वायर। सो ये इसकी वैल्यू ना बहुत कम होती है, सो इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, दिस इज व्हाट टर्न्स टू जीरो, सो नेग्लेक्टेड। सो आपका यहाँ पे फिर से एल की एक वैल्यू या एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज योर रूट ओवर आर डेल एच, सो दिस इज ऑल्सो योर आर्क लेंथ, रूट ओवर आर डेल एच, ठीक। सो इतने सारे आपके फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं भाई, ठीक, आर्क लेंथ निकालने के लिए। अभी प्रोजेक्टेड आर्क लेंथ बोल दिया, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स ओके, ठीक।
सबसे ज़्यादा आसानी से ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है जहाँ दिया रहता है, सो वो आप कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ता हूँ जी, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए एक टर्म आएगा आपका फोर्स, एक टर्म आएगा फोर्स, है ना। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, मैक्सिमम अभी जैसे मैंने बताया था आपको डेल एच इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ था, डेल एच इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ था। अगर मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम रिडक्शन पर पास, एक पास का है ना, एक पास मैक्सिमम रिडक्शन पर पास, सो मैक्सिमम रिडक्शन विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, किससे दिया जाएगा, म्यू स्क्वायर आर से दिया जाएगा। एंड वेयर म्यू इज द व्हाट, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, लिख लेना बेटा म्यू, कहीं पे अगर नहीं लिखे होगे तो म्यू इज योर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ रोलर, इट मींस दैट एच नॉट तो चेंज नहीं होगा, एच नॉट तो वही रहेगा। और मैंने बोला मैक्सिमम रिडक्शन इन वन पास, मतलब मैक्सिमम रिडक्शन पर पास की बात कर रहा हूँ, सो एच नॉट तो वही है भाई एंट्री में, एग्जिट में एच एफ कम होते जाएगा, एच एफ जितना कम होगा ये डेल एच उतना ज्यादा होगा, और अगर मैंने डेल एच मैक्सिमम बोला तो एच एफ क्या होगा, मिनिमम होगा। सो फाइनल अगर मैं बोलूं फाइनल थिकनेस एच एफ विल बी मिनिमम इन दिस केस, बट ऑब्वियस, ठीक, इस तरीके से दिया जा सकता है। नाउ माय डियर, आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगर मैं आपको फोर्स के बारे में बात करूं, पावर के बारे में बात करूं, सो लेट अस एज्यूम सिग्मा वाई इज द एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, एवरेज स्ट्रेस ऑफ मटेरियल और फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इस तरीके से दिया रहेगा, एवरेज स्ट्रेस और फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, या एक तरीका और दिया जाता है, एक तरीके से और दिया जाता है कि सिग्मा वाई इज नथिंग बट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ द रोलर, मतलब उस समय यह बता दिया गया है कि रोलर का जो यूनिफॉर्म प्रेशर होगा उसकी वजह से इसमें रिडक्शन आने वाला है और वो रिडक्शन मटेरियल में आने वाला है, सो मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेस होगा या जो फ्लो स्ट्रेस होगा वो उसी के बराबर होगा जो रोलर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जो रोलर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सो समझिएगा, रोल हो सकता है यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ रोलर भी दे सकता है, सो इसको अगर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ रोलर दिया है तब भी मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ रोलर, ठीक। अगर मैं गेट एग्जाम में बात करूं तो ये दिया रहता है डायरेक्ट एवरेज स्ट्रेस ऑफ फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ रोलर, इस तरीके से चीज़ें दिए रहते हैं। इन जनरल जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें बदतमीजी कर देते हैं, टेस्ट सीरीज में ना आपको दे दिया रहेगा यील्ड स्ट्रेस, सो उस समय एवरेज स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, ठीक। गेट में आज तक नहीं आया है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, है ना, सो यहाँ पे स्टार मार्क ये लिख रहा हूँ कि गेट में नहीं आया बेटा, गेट में नहीं आया, लेकिन गलती से आया या आप टेस्ट सीरीज में कहीं पे देखेंगे, है ना, जहाँ पे और कहीं किताब में गेट के एग्जाम के क्वेश्चन में अगर दिया किसी किताब में, वो गलत दिया, याद रखना, आई एम टेलिंग यू वो गलत दिया है, क्योंकि किताब का रेफरेंस उठा देते हैं और मेरे पास दिखा देते हैं, सर ये देखो ना यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में ये दिया है, तो 50 तो और सॉल्यूशन जो मैं दिखा रहा हूँ वो गलत है क्या, वो रेफरेंस जिसके रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप बात करने वाले हो, मैं कह रहा हूँ पहले ही वो गलत है, ठीक, ठीक है भाई। सो मैं यहाँ पे अगर इफ एवरेज स्ट्रेस इज नॉट गिवन, स्ट्रेस इज नॉट गिवन, जस्ट एवरेज और फ्लो स्ट्रेस और यूनिफॉर्म प्रेशर ये सब नहीं दिया है, जस्ट यील्ड स्ट्रेस दिया है, यील्ड स्ट्रेस इस तरीके से दिया है, मतलब एक स्ट्रेस वो एवरेज नहीं है इस तरीके से, है ना, दे रखा है। सो इस समय आपको अगर एवरेज स्ट्रेस निकालना है, इसको तो अभी मैंने मान लिया क्या ये एवरेज हो जाएगा, बोला ये एवरेज है, ठीक। सो अगर एवरेज निकालना है, सो यील्ड स्ट्रेस अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे सिग्मा वाई दे रखा है, सो ये इस तरीके से निकालना रहेगा इस समय,
एवरेज इक्वल टू 2/√3, 2/√3 सिग्मा वाई 1+ म्यू एल डिवाइडेड बाई 4 HM। ठीक, इसको और अच्छे से लिखूं, जगह नहीं है, ये नोट कर लिए होगे, ये नोट कर लिए होगे, ये इरेज कर रहा हूँ भाई। मैंने कहा कि अगर यील्ड स्ट्रेस नहीं, सॉरी एवरेज स्ट्रेस नहीं दिया है, तो एवरेज स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं 2/√3 1+ 2/√3 इंटू सिग्मा वाई इंटू 1+ म्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 HM, वेयर एल यू नो दैट एल इज द व्हाट, अभी तो लिखा रहे थे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, म्यू इज व्हाट, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिग्मा वाई दिया रहेगा, ये सिग्मा एवरेज निकाल लेंगे, ठीक निकाल लेंगे, लेकिन कब, जब वो एवरेज स्ट्रेस या फ्लो स्ट्रेस नहीं दिया या यूनिफॉर्म स्ट्रेस या यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं दिया है, पता चल रहा है इसी को आप इसकी जगह रख दे रहे हो, नहीं बेटा नहीं है, इसको एवरेज है, ये क्या है आपका एवरेज है, दिस इज योर एवरेज, सिग्मा एवरेज, सिग्मा एवरेज लिख दिया मैं, ठीक, सिग्मा वाई, अब सिग्मा वाई के दिया है तो इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। इवन दो क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज यील्ड स्ट्रेस, मतलब एवरेज दिया है, सुन लेना, ये दिमाग में डाल लिए रहो कि एवरेज 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 वर्ड या फ्लो, एवरेज फ्लो यूनिफॉर्म है ना, ये ढूंढना, अगर नहीं दिया है तभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें ये पता है दिया रहेगा, म्यू पता है, ये पता है, एच एम इज नथिंग बट मीन थिकनेस एच नॉट प्लस एच एफ बाई 2। सो यहां से आपको निकालना रहेगा। अगर मुझे एवरेज स्ट्रेस पता चल गया, चाहे वहां से हो या यहां से हो, ये मोस्टली आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, ये वाला मोस्टली टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में गेट एग्जाम में तो नहीं आया, गेट एग्जाम में नहीं आया, मैंने तो गेट के पूरे पेपर्स बनाए ना, तो गेट एग्जाम में नहीं आया, ये मैंने देखा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं, आपका एवरेज स्ट्रेस मिल गया आपको, अब फोर्स निकालना है, सो फोर्स इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस, फ्लो स्ट्रेस और यूनिफॉर्म प्रेशर इनटू, इसका विड्थ कितना है बी, वो तो कांस्टेंट है, ठीक, अगर चेंज है तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कांस्टेंट रहता है इन जनरल, सो बी इनटू प्रोजेक्टेड लेंथ, इनटू प्रोजेक्टेड लेंथ, सो आपका ये फोर्स मिल गया है ना। अब इसमें मुझे पावर निकालना है, नाउ ये आपका फोर्स मिल गया भाई, फोर्स मिल गया, सो पावर, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, और ये एक रोलर का हुआ, आपके पास कितने रोलर है, वर्किंग रोलर 1, 2, सो 2 रोलर का, हमेशा जब भी वो पावर पूछेगा या तो सिंपली वो पावर बोल देगा, या तो टोटल पावर बोल देगा, या सिंपली पावर बोला या टोटल पावर बोला, उस समय आपको दोनों रोलर का निकालना है। अगर वो पूछा कि पावर ऑफ ईच रोलर, सो टी क्रॉस ओमेगा निकालना रहेगा उस समय, लेकिन वो ध्यान देना, ज्यादातर वो टोटल पावर मतलब 2 दोनों रोलर का ही वो पूछेगा, क्योंकि भाई आप अगर इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो दोनों रोलर को पावर देंगे ना, सो आपको उतना पावर कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक, सो ये आपका पावर होने वाला है। टॉर्क कैसे निकालेंगे, ये जो फोर्स निकाले हो, ये फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स एक्ट करेगा ये न्यूट्रल पॉइंट पे, इधर ये फोर्स एक्ट करेगा, सो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैंने मान लिया ए, एंड ए इज नोन एज आर्म लेंथ, ए इज नोन एज आर्म लेंथ, और आर्म लेंथ ए इक्वल टू आपका 0.5 L होगा, और ए इक्वल टू 0.45 L होगा, हॉट वर्किंग के लिए 0.5 L, हॉट वर्किंग, और कोल्ड वर्किंग के लिए 0.05 L। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, कोल्ड वर्किंग है कि हॉट वर्किंग है, कुछ नहीं दिया है, ऑलवेज कंसीडर हॉट वर्किंग, ऑलवेज, कुछ नहीं दिया है
देन ऑलवेज कंसिडर हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग कंसिडर करना है, कुछ भी नहीं दिया है कि वो कोल्ड वर्किंग है, कोल्ड रोलिंग है या हॉट रोलिंग है, देन ऑलवेज कंसिडर दैट इज योअर हॉट रोलिंग, ये कंसिडर कर लेना. सो यार आर्म लेंथ मिल गया आपको, आपको आर्म लेंथ मिल गया. सो फोर्स है आपके पास, टॉर्क निकाल सकते हो, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू आर्म लेंथ, फोर्स इंटू आर्म लेंथ. तो ये टॉर्क हो जाएगा, ये टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे पावर निकाल लोगे. सो पावर इक्वल टू टू टी, दोनों के लिए ना, दोनों रोलर के लिए, इसलिए टू हुआ. टी इज द टॉर्क, एप इंटू ए लिख दिया, फोर्स इंटू आर्म लेंथ इंटू ओमेगा विल बी टू पाई एन डिवाइडेड बाय 60, वेयर एन इज द आरपीएम ऑफ द रोलर या ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोलर. कोई भी ना इसका वी यूज नहीं करना भैया, ये इसका लीनियर वेलोसिटी, ये आपका एंट्री या एग्जिट का यूज नहीं करना, आपको यूज करना रहेगा हमेशा रोलर की वेलोसिटी. यार पावर किसको दोगे, रोलर को. ससुर कई बार क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं ये वाला है ना, ये वाला निकाल लेते हैं एंट्री और एग्जिट का, और एंट्री और एग्जिट से आप पावर निकालने की कोशिश में लगे रहते. दैट इज रॉन्ग. मे बी आंसर में ज्यादा डिफरेंस ना मिल रहा होगा, बट वो गलत है, वो गलत है, ध्यान रखना. ठीक, सो यहां से आपका ये पावर आ जाएगा. और एक तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम एट द एंट्री एंड वॉल्यूम एट द एग्जिट विल बी द सेम वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब एच नॉट इंटू बी नॉट, बी नॉट इंटू एच नॉट इंटू वी नॉट इक्वल टू फाइनल विड्थ इंटू फाइनल हाइट इंटू फाइनल वीआर. इन जनरल विड्थ क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है. ठीक, सो इतने सारे फॉर्मूले आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे, होपफुली इसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने हैं, सवाल अपने को अटेम्प्ट करना है. अगर मैं बोलूं जो अभी स्टार्ट लर्निंग किए हैं, जस्ट है ना, जस्ट अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, जो मेरे साथ शुरू से चल रहे हैं और जो पुराने स्टूडेंट है, सो वो दोनों के लिए सबसे पहले तो ये जो आपको मिला है ना, ये वाला, ये डाउनलोड करके यहां से नहीं हो रहा है, टेलीग्राम में जाओ है ना, ये कमेंट करना बंद करो कि डाउनलोड नहीं हो रहा है. अरे बच्चे नहीं रह गए हो, टेलीग्राम का भी ऑप्शन है आपके पास, गो इन टेलीग्राम. ठीक, और इस पे आपको जो सवाल करने हैं, लास्ट क्लास तक मैंने 25 तक कर दिया था, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31 इतने सवाल हैं रोलिंग के जो आपको अटेम्प्ट करना है, और मैंने आज रोलिंग के बारे में ऑलमोस्ट जितना रिक्वायर था वो सारी चीज़ें बता दिया है. वहाँ पे आप जाके सवाल अटेम्प्ट कीजिए. मैं नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल से शुरू करूँगा और आगे बढ़ूँगा. ठीक, सो मज़ा आया होगा, ठीक है ना, बहुत सारी बातें किया मैं. ठीक, थोड़ा सा मैं इसको कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा चीज़ें जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, है ना. आपको अगर एक बार में ऐसा होता है कि यार स्किप कर गया क्या, तो वापस आप सुन सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि टाइम कम है, इसलिए इस तरीके से कंसाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आए, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आए ताकि लाइव में ज़्यादा टाइम ना जाए. सो इसके लिए थोड़ा सा ना मेरे साथ आप चलिए तो हो जाएगा यार, ये और नोट्स ना प्रॉपर बनाना है, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है रिपीट करके एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, सोचिए उसके बारे में, है ना. मोस्टली तो समझ में आ रहा है जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है. ठीक है यार, तो रोलिंग के क्वेश्चन बना के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ठीक, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.